ओ धर्म पत्ने सात तो बज गए, पता नहीं चला। ओ धर्म पत्ने अबे काओ नाश्ता वास्ता सब तैयार। क्या रखा चाय कहीं पराठे। हमने प्रण लिया जब तक दुकान से कुछ बिक्री नहीं होगी हम कुछ नहीं खाएंगे। हेलो 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 हम गजोधर बात कर रहे हैं। जरा कुक्कन से बात करवाइए, हमको बहुत जरूरी काम है। जी एक मिनट। कुक्कन भैया जी आपके लिए फोन। हेलो हेलो कुकन। अबे हम बात कर रहे हैं। हाँ अपना नाम बिल्कुल नहीं लेना और भैया भैया बिल्कुल नहीं बुलाना समझे। अब जो पूछे बस हाँ ना में जवाब देना ठीक है। हाँ समझ गए। अबे सर क्या समझ के कर रहे हो है? क्या कह रहे हो तुमसे? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो हमको। चलो बताओ। हाँ बोलिए। अच्छा एक बात का जवाब दो, सुबह से कोई बिक्री बिक्री हुई है? हाँ सर कोई ग्राहक रखा है कि नहीं आया? आ, आ, ना, ना, ना 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 नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो तुमरे भाभी ने कुछ खाया सुबह से कि नहीं खाया? कुछ खिलाया पिलाया उनको? नहीं नहीं ना ना ना। चलो ठीक है रखते हैं अभी। चला बहुत चित्ती है पर हमसे भी ज्यादा चित्ती है। तो दामोदर का फोन था, वो क्या है ना बचपन का साथी है बहुत और बात बहुत पहले बात हुई थी तो आज अचानक पता नहीं कहाँ से फोन कर दिया। लेकिन कुकन भैया ये तो अपना नाम गजोधर बोल रहा था। अरे हाँ समझ गए, वो क्या है ना बाबे बचपन में जब हम खेला खेलते थे ना लुका छिपी लुका छिपी हम उसको गजोधर ही बुलाते थे। वैसे आपके जो दोस्त हैं गजोधर दामोदर उनकी आवाज आपके गुड्डू भैया से बहुत मिलती है ना? जी हाँ रे बहुत मिलती है। अब क्या है ना कि हमसे ज्यादा वो गुड्डू भैया का दोस्त है इसलिए आवाज मिल रही है भाभी, काफी मिल रही है। आप बहुत सही बोल रही हैं। हाँ हाँ अच्छा काम करे। 100 रुपए रख, 100 रुपए से फोन का चार्जर खरीदी हो। क्या खरीदेगा? फोन का चार्जर। हाँ किस और पर रख। अब इससे एक रिफिल वाउचर खरीदना 100 रुपए का। सुन इधर किसी को बोले मत कि हमने इधर को भेजा। हम कोई बुद्धू थोड़ी ना है, हम कन्नौज के रहने वाले हैं। नहीं बेटा तुम बुद्धू नहीं, साले हम बहुत बड़े बुद्धू हैं। हमको बहुत अच्छा भविष्य नजर आ रहा सब कन्नौज वासियों का, साले बहुत स्मार्ट हो गए। सब सब चलो एक काम करो। सुन मुझे दुकान देने जा रही है तो कोई नीले रंग की वहाँ जाना, फट से निकल ले चल जा। एक मिनट। हाँ बोल। काम तो हम कर देंगे लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा? सारे बहुत स्मार्ट हो, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, सारे आगे जाके बहुत आगे जाने वाले हो तुम। हाँ तुम्हारा फायदा क्या चाहिए तुमको? चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट दे। शाबाश बहुत। चलो रखो चलो चॉकलेट रखो। एक मिनट। काम दो और चॉकलेट एक। चलो ठीक है दूसरा चॉकलेट भी देते हैं तुमको। रखो चलो दूसरा चॉकलेट। चलो जाओ अभी। सस्ते में टरका रहो बेटा।
साला बच्चा है का है साला बहुत बड़े सवास भी ना काम करते बड़ा अच्छे से बस काम करते है सवास क्या देख रहे हो क्या चाहिए तुमको अरे तुम्हारी मतलब की चीज यहाँ नहीं मिलती है वो सामने मिठाई की दुकान है जाओ वहां से ले लो ये मोबाइल की दुकान है मोबाइल की पता है ये मोबाइल की दुकान है तो ऐसा करो 100 रुपए का एक मोबाइल चार्जर दे दो चार्जर चाहिए आपको कुकन भैया अरे बेटा जरा देख लेना खराबी ना हो नहीं तो हमको डांट पड़ेगी अबे नंचू ऐसे कैसे डांट पड़ेगी हा? ये देखो एकदम टकाटक A1 क्लास का चार्जर है समझे अरे क्या बात है बिक्री बिक्री हो गई है लगता बोनी हो गई सा बात बहुत बढ़िया क्या खरीदा क्या है कुकन क्या खरीदा बेटा चार्जर लिया भैया सर मोबाइल का चार्जर बस और कुछ नहीं खरीदा कुछ नहीं क्या बेटा अबे इतनी बड़ी दुकान में बड़े सिर्फ चार्जर खरीदोगे अरे कमाल करते कुछ और भी चाहिए होगा तुमको तुम भूल रहे हो हम जानते हैं अरे कुकन अरे भूल रहा है हम जानते हैं इसको अबे क्या है ना वो पापा ने कहा होगा रिफिल विफिल के लिए और ये भूल गया होगा अबे बिना रिफिल के साले फोन चार्जर का क्या करोगे अरे फोन को बात बात करने के लिए रिफिल बहुत चाहिए होता है हमको मालूम है तुमको रिफिल बहुत चाहिए ले ले बेटा कुकन दे दे रिफिल वाउचर पैसे निकालो बेटा रिफिल वाउचर दे दो चलो दे दो अरे बेटा हम रिफिल विफिल नहीं कराते सिर्फ मिस कॉल करते हैं मिस कॉल सारा वेव को फोन कर लेता है और हमारा काम बन जाता है बाय बाय टाटा कितना प्यारा बच्चा है ना हाँ बहुत प्यारा बच्चा है दो नंबर चलो ठीक है अभी टेंशन तो खत्म होगी ना कम से कम अबे बिक्री होगी इससे ज्यादा क्या चाहिए अभी चलो अच्छा साबस बढ़िया आप यहाँ कैसे आए लेकिन आपको तो इस दुकान से कोई मतलब नहीं था ना आप यहाँ पे आने वाले नहीं थे तो गलत थोड़ा ना कह रहे हैं हम कोई हम दुकान हमारा दुकान से क्या लेने देना तुम खाना वाना रख के गए थे ना अंदर हमको अच्छा लग रहा था वो पराठे वराठे हमको नहीं खाने हमको लगा कि कुछ और मंगा के खाएंगे कुकन एक काम कर वो रामप्रसाद से काम कर बढ़िया बढ़िया से समोसे ले समोसे खाएंगे सब अब तो बिक्री हो गई बेटा अब तो समोसे बनते हैं रामप्रसाद का ठीक है भैया अभी लेके आए कुकन भैया हमारे लिए मत लाइए हम नहीं खाएंगे अरे ऐसे कैसे नहीं खाएंगे भाभी हम लेके आ रहे हैं अरे कमाल कर रहे हो खाओगे क्या नहीं अरे तुम्हारा प्रण था ना कि सामान की बिक्री हो जाएगी बोनी हो जाएगी पर तुम खा लोगे बिक्री हो गई पैसे आ गए अभी और क्या चाहिए तुमको अभी खा लो ना जब आएगा तो आप समझ नहीं रहे हमको बहुत टेंशन हो रही है दो दिन में सिर्फ एक चार्जर बिका ऐसे कैसे काम चलेगा घाटा हो जाएगा इस सोच सोच के हमारा हमारी भूख प्यास उड़ी हुई है कमाल करते हो भैया भूख हड़ताल से क्या होगा हैं अरे भूख हड़ताल से कोई कस्टमर की लाइन लग जाएगी क्या यहाँ पर बेकार की बातें करते हो तुम भी अब वो लेके आएगा तो तुम खा लेना हाँ अच्छे से साबस क्या नहीं खाओगे तो जिद कहाँ करते हो यार अच्छा ठीक है हम दुकान चलाने में तुम्हारी मदद करेंगे आप कह रहे हैं ना मदद करेंगे तो मदद करेंगे हाँ लेकिन उससे पहले जो वो लेके आएगा तुमको खाना पड़ेगा तब हाँ फिर ठीक है कहना नहीं तो तुमको कुछ हो जाएगा तो हमको बहुत बुरा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा बहुत बढ़िया हमको भूख लगी था चलो खा लो जरा कुकन लो बेटा आप हाँ हम ले रहे हैं तुम खाओ तो सही पहले जरा अरे हम भूल ही गए हमने तो वो हम पहले नहा धो के आते हैं तुम खाओ तब तक हम फिर बाद में आके खाएंगे हाँ तुम खाओ जरा अच्छे से साबस कुकन ध्यान रखना बेटा भाभी का देखे आप जाइए समोसा खिलाओ ना भाभी को खाइए खाइए
साला ये इंडिया मोबाइल कोनो और भी काहे नहीं बेचता कन्नौज में। हर दुकान पे मिलता तो अच्छा होता, कम से कम भाभी को हम पर शक तो ना होता। बहुत सही टाइम पे आयो गुरु हमारे हाथ में, अब तुमको हम तुम्हारी जगह पे पहुंचा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हम किए, और बने रहेंगे भाभी के फर्स्ट क्लास देवर। फालतू मोबाइल सेंटर के चक्कर में फंस गए। ओ गोकन, अबे इससे अच्छा तो सिटी सेंटर था सर हमला। अबे कम से कम चलता तो था, ग्राहकों की शक्ल तो देखने को मिलती थी। सही कह रहे भैया, यहाँ तो साले मोबाइल सेंटर के चक्कर में कोई ग्राहक ही नजर नहीं आ रहा। अभी साला मक्खियां मार रहे बैठ के, ग्राहकों का इंतजार करो, आएंगे भैया। साला सही कहा किसी ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो गलत काम करता है, और ये साला मोबाइल सेंटर खोल लिया हमने फोकर में। आप अभी से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सीडी सेंटर में लोग इसलिए आते थे क्योंकि उसके बारे में जानते थे, उसकी एक पहचान थी। जब लोग इसके बारे में जानने लगेंगे तो यहाँ भी आने लगेंगे। किसी भी चीज को थोड़ा सा वक्त तो देना ही चाहिए ना। क्या बात है कुकन, क्या आइडिया दे रही भाभी तेरी। अरे हमको लग रहा है इसी वजह से लोगों को मालूम नहीं हमारे मोबाइल सेंटर के बारे में। अच्छा एक काम करते हैं तो हम वो कन्नौज में ना सब जगह एक वो दीवारों पे लिखवा देते हैं गुड्डू शुक्ला मोबाइल गैलरी। उससे क्या लोगों को मालूम लगेगा, लोगों को मालूम चलेगा तो लोग आएंगे हमारे मोबाइल सेंटर पे। क्या कहती हो? हाँ हाँ, तो हम एक पेंटर मेंटर के पास जाते हैं, वो सब दीवारों पे छपा देते हैं अच्छे से गुड्डू शुक्ला मोबाइल गैलरी बड़े। क्या बात है, तुम क्या ध्यान रखना बेटा। बिल्कुल, अभी अभी क्या और अभी बेटा फटाफट सब बढ़िया। ओ डब्बू, अबे कहाँ बेटा आजकल नजर नहीं आ रहे तुम हमको, कहाँ गए वो? भैया वो हम थोड़ा इम्पोर्टेंट काम से गए थे। कुकन जरूरी काम, हमको सब समझ में आ रहा बेटा तुम्हारा जरूरी काम। कहीं गुड्डू भैया को तो नहीं पता चल गया हमारे और महादेवी के चक्कर के बारे में? वो दो महीने पहले कौन सा जरूरी काम था, उसका नाम क्या था? वो बिंदिया। और उससे पहले एक जरूरी काम था, उसका नाम क्या था? बरखा रानी। और वो एक कौन सी लड़की थी बेटा, वो जो खैर नगर में रहती थी? अरे उसको देख के हमेशा गाया करता था, रूप तेरा मस्त। रूपा। हाँ भैया सही कह रहे हो, हाँ चले बहुत जरूरी काम हो रहे तुम आजकल। चलो सब अच्छा अच्छा। अब भैया आप बिना काम कहाँ खींचते रहते हैं हमको। चलो ठीक है, जाओ जरा शर्मा नहीं अंदर, चलो जाओ काम हम करो। हम आते बेटा कुकन, वो पेंटर के पास होके आते हैं। चलो कहाँ बैठे थे पता है तुमको? भाभी कितना परेशान हो रही है, और हमें तुम्हारे ही चक्कर में ना जाने क्या क्या सुनना पड़ा। भाभी वो जो आप मोबाइल ढूंढ रही थी ना, हमने झब्बू को दिया था। इसका मतलब महादेवी को मोबाइल कुकन ने नहीं झब्बू ने दिया है। उका हुआ ना भाभी, उस दिन हम जरा जल्दी में थे तो मोबाइल दुकान में रखना भूल गए। हाँ, अभी लेके आए ना। हाँ, ये देखिए, ये लीजिए। अगर ये मोबाइल बॉक्स यहाँ है
तो फिर जो मोबाइल महादेवी के पास है वो किसका है? भाभी क्या देख रही है? नहीं कुछ कुछ नहीं। हमारा शक गलत था, कुकन झपू में से किसी ने मोबाइल नहीं दिया, तो माँ देवी को किसने मोबाइल गिफ्ट किया? बिल्कुल ऐसा ही मोबाइल था। शीशा है तो हम दूसरी बिंदी लगा के इसमें देख रहे थे कि हम ठीक ठाक दिख रहे हैं कि नहीं। ये तो महादेवी वाला है मोबाइल, ना बड़ा धोखा। अब तो बिल्कुल साफ हो गया है, ये सारा खेल झब्बू का ही है। क्या नाम है तेरा? आराम प्रसाद। आराम प्रसाद सुन बेटा, एक काम कर, जरा ये जो है ना सारा ये इसको हटाओ जरा यहाँ से। एक बढ़िया सा वो गुड्डू शुक्ला मोबाइल सेट लिखता है इस दीवार पे, जैसे हमारी दुकान पे लिखा ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा। शाबाश। लेकिन भैया बोलो, हम लिखेंगे कहाँ पे? दीवार तो पहले से ही सब दुकानों के नाम से भरी पड़ी है, और पता चला आपका नाम लिख भी दे तो ये लोग हमारी जिंदगी को जो कहानी बना देंगे। अब साला इनकी ऐसी की तैसी, हमारा नाम गुड्डू शुक्ला है, साला फोड़ डालेंगे किसी ने कुछ कहा तो, समझे? तो मैं काम करो, तुम्हारे पास वो सफेद रंग है? हाँ। तो है ना, तो एक काम करो, सफेद रंग पोत दो अच्छे से। मैं पोत दो साला, हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में बढ़िया से अच्छे अच्छे रंग से लिख देना बेटा, बड़ा बड़ा अच्छे से लिखो, बढ़िया से। ठीक है भैया। क्या हुआ? अबे क्या हुआ हम बताएं साले ससुरे तुमको? जरा इधर आओ, जरा देखते हैं, खड़े होके बैठो जरा। हाँ साले एक बात का जवाब दो, हम तुमको दो सामान खरीदने का पैसे दिए थे, तुम एक काय खरीदे? हमको बिल्कुल समझ रखा है का, हम अपने काम की फीस ना ले। अबे तुम्हारे काम की फीस सर मारेंगे दो कौन का नीचे, तुम्हारे काम की फीस नजर आ जाएगी साहब। अरे तुमको तो चॉकलेट नहीं दिया था क्या हम? अरे बेटा दो साल पहले चॉकलेट 2 रुपए की थी और आज 5 रुपए की, 2 चॉकलेट से हमारा क्या होगा? अबे बेटा तुम बहुत आगे जाने वाले, बहुत आगे जाने वाले, तुम्हारे लक्षण नजर आ रहे हैं हमको। तुम बेटा इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे, हमको मालूम है अच्छे से। बकवास मत करो, हमको बहुत काम है, तुम्हारी तरह फालतू नहीं बैठे। अबे रुक, अबे रुक, बच्चे बहुत तेज हैं आजकल के। ये लड़का खुद से नहीं आया था, आपने इसे भेजा था। देखो भाई, अरे मेरी बात तो सुनो रंजन, अरे सुनो ना, अरे अपनी बात तो सुनते जाओ रंजन। जो काम करने जाते हैं सब गलत हो जाता है।